इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर की समरी। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ ए ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एक बहुत ही सुंदर कविता है। इट इज़ ए सिंपल प्रेयर फॉर इंडिया। ये एक साधारण सी प्रार्थना है जो किसके लिए की गई है, इंडिया के लिए। द पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग द टाइम वेन इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। ये पोएम जब लिखी गई थी जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, अंडर था। सो द पोएट, इसलिए जो कवि हैं वो, वॉन्ट्स हिज कंट्री, चाहते हैं अपने देश को टू बी फ्री, आज़ाद हो, इन एन आइडियल एटमोसफेयर, एक बहुत ही आदर्श वातावरण में, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में। द पीपल शुड बी फियरलेस, लोग कैसे हों, भय से मुक्त हों। फियरलेस होता जिसमें बिल्कुल भी भय ना हो। एंड फुल ऑफ रिस्पेक्ट, और सम्मान से भरे हुए हों। नॉलेज शुड बी फ्री, और जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो फ्री होना चाहिए, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो, ना पैसे की, ना कास्ट की, ना रिलीजन की, वो बिल्कुल फ्री हो, सभी के लिए, सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए सम्मान हो। एंड अवेलेबल टू ऑल, और जो नॉलेज है वो सभी के लिए उपलब्ध हो। द कंट्री शुड बी यूनाइटेड, और जो देश की एकता है, जो देश है वो यूनाइटेड होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। यूनाइटेड का मतलब होता है एक। देयर शुड बी नो इशू ऑफ कास्ट रिलीजन एंड कम्युनिटी विच आर बैरियर इन यूनिटी। अब इशू होता है मुद्दा, कास्ट होती है जाति, रिलीजन धर्म, कम्युनिटी होता है समुदाय, और कोई भी मुद्दा नहीं होना चाहिए कास्ट का यानी जाति का, रिलीजन धर्म का, एंड कम्युनिटी और समुदाय का। विच आर बैरियर, बैरियर होती है बाधाएं, और ये सारे इशू बाधाएं हैं इन यूनिटी, देश की एकता में। यूनिटी होती है एकता। पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल, जो लोग हैं वो मुक्त हों, बिल्कुल स्वतंत्र हों, दूर हों किससे, ऑल नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो संकीर्ण घरेलू दीवार हैं उनसे। संकीर्ण घरेलू दीवारों का मतलब क्या है, देश में लोगों के बीच जो आपसी मुद्दे होते हैं छोटी छोटी बातों पे, उनको कहा गया है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। पीपल शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होने चाहिए, सो दैट, ताकि दे में अचीव परफेक्शन इन देयर वर्क, ताकि वो परफेक्शन अचीव कर सकें, पा सकें अपने काम में। दे शुड बी ट्रूथफुल इन एक्शन, वो बिल्कुल सच्चे हों अपने काम में एंड थॉट्स, और उनके जो विचार हैं वो भी सच्चाई से संबंधित हो, सच्चाई पर बेस्ड हों। द पोइट प्रेज फॉर मेंटल फ्रीडम ऑल्सो, यहाँ पर जो कवि हैं वो अकेली सीमाओं की स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं करते, बल्कि जो लोग हैं उनकी मानसिक स्वतंत्रता के बारे में भी बात करते हैं। मेंटल फ्रीडम होती है मानसिक स्वतंत्रता। देयर थिंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, कि जो लोग हैं वो मानसिक रूप से भी फ्री हों, उनका जो दिमाग है उसमें बिना काम की जो चीज़ है वो कोई भी ना हो, और उनकी जो सोच है, थिंकिंग है, शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, वो किस पर आधारित हो, रीज़न पे आधारित हो, तर्क पे आधारित हो, हर चीज़ को वो ये देखे कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। रीज़न क्या होता है, रीज़न हमारे दिमाग की वो योग्यता होती है जो हमें ये बताती है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। देखते भी होंगे, रीजनिंग पूछी जाती है कई एग्जाम्स में, रीज़न से ही बना है रीजनिंग भी, तर्क। दे शुड नॉट बिलीव एंड वेस्ट टाइम इन एनी यूजलेस हैबिट, और वो ना तो विश्वास करें, बिलीव होता विश्वास करना, वेस्ट टाइम समय बर्बाद करना, वो ना तो विश्वास करें और ना ही अपना समय बर्बाद करें इन एनी यूजलेस हैबिट, किसी भी ऐसी हैबिट में, किसी भी ऐसे रीति रिवाज में जो यूजलेस हैं, बिल्कुल भी काम की नहीं है। इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में, दे शुड बी गाइडेड बाई गॉड, उनका मार्गदर्शन करे कौन, भगवान। सो तो इन सच एन आइडियल एटमोसफेयर, एक ऐसे आदर्श वातावरण में, एक ऐसे अच्छे वातावरण में, द पोएट वॉन्ट्स हिज कंट्री शुड गेट फ्रीडम, कवि चाहता है कि उसका देश स्वतंत्रता प्राप्त करे। तो ये थी इस पोएम की समरी। आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ।